Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on harmonic conjugate and harmonic function, also analytic function. So let's start the video. So the first question is, so that the function, ये question जो है 2011, 14 और 16 में पूछा हुआ है विद्यापीठ में. So that function u equal half log x square plus y square is harmonic. ये हमें शो करना है कि ये हार्मोनिक है, एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट. तो ये पहला क्वेश्चन था जो हम डिस्कस करेंगे. तो हमें सबसे पहले इसमें हार्मोनिक शो करना है, और हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है ये हमने पहले बता रखा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे अभी, फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे. दूसरा प्रॉब्लम है जो 2012 में पूछा हुआ है, सो दैट यू इक्वल वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, डिटरमाइन इट्स अ हार्मोनिक कंजुगेट and find the corresponding analytic function fz in terms of z. तो यहाँ भी हमें इसको हार्मोनिक शो करना है, हार्मोनिक फंक्शन, और उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है हार्मोनिक कंजुगेट जैसे ऊपर वाला है, फाइंड एंड देन फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन. तो ये छोटे नंबर में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में. तो डिफाइन अ हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद सो दैट यू इज़ अ हार्मोनिक. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाले से. तो यहाँ हमें बताना है सबसे पहले कि हार्मोनिक फंक्शन को डिफाइन करिए. तो इसे हमने पिछले वीडियो में, जो दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा उसमें हमने इसको डिफाइन किया है, हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन यू है, तो हार्मोनिक फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस हो, और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ये होता है लाप्लास इक्वेशन. तो कोई भी फंक्शन जिसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस हो और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. तो डेफिनेशन आप वहाँ से कर लीजिएगा या किसी भी बुक में बड़े आराम से मिल जाएगा. हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं. तो गिवन है u इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर. सो लाप्लास इक्वेशन हमें शो करना होगा, तभी यह हार्मोनिक होगा. और लाप्लास इक्वेशन के लिए डेल टू यू इक्वल टू होता है 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0. हमें यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x, और एक बार और अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, तो ये हो जाएगा 2. ठीक है, उसी तरीके से ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, ये विथ रिस्पेक्ट टू x था, ऑन डिफरेंशिएटिंग ऐसा, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, दिस इज 2 माइनस 2y. ठीक है, और इसका फिर से हम अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2. ठीक है, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस 2. सो डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, यहाँ पे 2 है और यहाँ माइनस 2, सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो हमें फाइनली क्या मिल गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0. ठीक है, तो यही है लाप्लास की कंडीशन. तो चूंकि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि u इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन. ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन. तो काफ़ी आसान था, इसमें हमें पूछता है कि एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर उसी के लिए हार्मोनिक शो करना है. तो हम चलते हैं आगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट यू इक्वल वाई क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। सो हमें गिवन है फंक्शन यू इक्वल टू वाई क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो पहले हमें शो करना है कि यह हार्मोनिक है, उसके बाद उसका कंजुगेट, एंड देन हमें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइन करना है। यानी लास्ट में हमें एफ जेड फाइन करना है जो होता है u प्लस आई वी, ठीक है। तो u की वैल्यू हमें फाइंड है, तो अगर हम उसका हार्मोनिक कंजुगेट निकाल लेंगे तो हार्मोनिक कंजुगेट से हमें v की वैल्यू मिलेगी। जब u और v दोनों मिल जाएगा तो हम u प्लस आई वी यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हार्मोनिक शो करना है, उसके बाद इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो हम तो कंजुगेट को भी हमने डिफाइन कर रखा है, हार्मोनिक फंक्शन को तो अभी हमने बताया कि अगर वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि यू हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। उसके बाद हार्मोनिक कंजुगेट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वी कोई एक फंक्शन है, तो इसको हम इसका हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे, इसको वी को हम इसका हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं अगर ये वी भी लाप्लास इक्वेशन का सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो और उनका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सीआर इक्वेशन का पालन करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको हार्मोनिक शो करेंगे। तो हार्मोनिक के लिए हम यही इक्वेशन लाएंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू ज़ीरो, यही है फॉर हार्मोनिक। और हार्मोनिक लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसी को हम लाते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स यहाँ से। और एक बार और अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू डेल एक्स टू इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है। उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसका फिर से करें डेल यू बाई डेल वाई टू, हमें क्या मिलेगा, सिक्स यहाँ वाई होगा, नहीं एक सेकेंड, थ्री वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर और नेक्स्ट में हो जाएगा सिक्स वाई और ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। और इस वाले में वाई क्यू है था हमारा माइनस सिक्स एक्स, तो नेक्स्ट में हो जाएगा सिक्स, यहाँ पे वाई क्यू है तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डेल टू वाई सिक्स वाई माइनस ज़ीरो। सो आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो ज़ीरो माइनस सिक्स जब इसका हम करेंगे तो यहाँ पे y रहेगा, तो एक बार और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस सिक्स वाई और ये आ रहा है फाइनली सिक्स वाई, ठीक है। तो नाउ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो फाइनली हमें मिल गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये शो कर रहा है कि जो फंक्शन u है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो सिंस फंक्शन u सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, सो इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। सो सिंस फंक्शन u सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, सो इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। दूसरा काम है हमें कंजुगेट निकालना,
तो कंजुगेट के लिए दो मेथड है, एक मिलने थॉमसन का मेथड है जिससे हम बाद में डिस्कस करेंगे वो मेथड, फिलहाल हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से हार्मोनिक कंजुगेट को फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद एनालिटिक फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं लेट वी बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ फंक्शन यू, देन वी कैन राइट एज डी वी इक्वल डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई और डी वाई। तो ये जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स का फंक्शन लिखते हैं उसी तरीके से है ये। सो डी वी इक्वल टू दिस वन, तो हम इसी को फाइंड करके यहाँ डी वी है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, हमें वी मिल जाता है, ठीक है। और वी जब मिल जाएगा तो हम एनालिटिक फंक्शन निकाल लेंगे। एनालिटिक हम इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि हार्मोनिक कंजुगेट तभी होगा जब ये वी और यू दोनों आपस में सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो हार्मोनिक कंजुगेट के डिफिनेशन में है कि वी उसका हार्मोनिक कंजुगेट तभी होगा जब वो सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे आपस में यू और वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स को, हमारा सीआर इक्वेशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये है सी आर इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे क्योंकि हमें v का फंक्शन नहीं पता, u पता है तो v वाले को हम u वाले में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स है, ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स, डेल वी बाई डेल वाई को चेंज कर लेंगे डेल एक्स में u में, तो डेल यू बाई डेल एक्स और ये हो गया डी वाई। तो सिंपल ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें u का फंक्शन पता है, u हमारा पता है, तो हम यहाँ से बड़े आराम से माइनस डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे था ना डेल यू बाई डेल वाई, हम आगे यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, और डेल यू बाई डेल एक्स आया था यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस, तो यहाँ पे सिंपली माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सिक्स एक्स वाई और डी वाई, क्लियर। ये है माइनस डेल यू बाई डेल वाई और ये है डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसा। अब इसको हम अगर इस तरह से लिख लें माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सिक्स एक्स वाई डी वाई और ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हमने थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स को एक साथ ले लिया माइनस कॉमन लेके और यहाँ का माइनस भी कॉमन हो गया, यहाँ प्लस आ गया सिक्स एक्स वाई डी वाई, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, उसको हम लिख सकते हैं, ये एक डेरिवेटिव को शो कर रहा है तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ थ्री वाई, तो एक तरह से हो जाएगा एक्स वाई क्यू टू एक्स वाई क्यू, नहीं अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दो पार्ट में तो क्या मिलेगा, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल बनाना चाह रहे हैं इसी के जैसा, तो ये हो जाएगा टू का डिफरेंशिएशन करिए क्या आएगा, टू आएगा फिर एक्स आएगा थ्री वाई स्क्वायर इसको ऐसा सेट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो टू एक्स वाई क्यू और थ्री एक्स स्क्वायर। सो जस्ट
अगर हम यहाँ पे 3xy² लिखें यहाँ x है, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, 3y² dx प्लस 6y dy, अब यह हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ x³, यहाँ हो गया dv, क्लियर है ये। तो ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया था, 3y² dx प्लस 6xy dy को हम ऐसा लिख सकते हैं, d ऑफ 3xy² dx प्लस, इतना नहीं क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से देख लीजिए, d ऑफ 3xy², यहाँ जब हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं, तो x इंटू 2y, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हमें ये क्या मिलेगा, और यहाँ पे हमारा आएगा dy और यहाँ पे dx, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा, 3 to 6 y dy एंड प्लस 3y² और dx, ठीक है, तो वही चीज़ था यहाँ पे। तो ये रफ वर्क था, सॉरी, तो इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, या सिंपल ऑन इंटीग्रेटिंग, नॉट डिफरेंशिएटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ से हमें मिल जाएगा v, और ये हो जाएगा माइनस 3xy² प्लस x³। तो हमने ऐसा डेरिवेटिव टर्म इसलिए बनाया कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का सीधे x हो जाता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ओनली x, क्लियर, तो इसीलिए हमने यहाँ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किया कि उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा उसके हिसाब से। तो हमें अब मिल चुका है u और v, u पहले से पता था और ये v हो गया, सो एब्जेड हो जाएगा। नाउ एनालिटिक फंक्शन, तो ये रहा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यही है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो दूसरा पार्ट भी हो गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये वाला, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल u प्लस iv, ठीक है, तो u है हमारा yq माइनस yq - 3x² y एंड देन प्लस i, यहाँ पे क्या है, माइनस 3x² प्लस x³, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो प्लस c लगा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस c, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा yq माइनस 3x² y माइनस 3ixy² और ये हो जाएगा माइनस x³ प्लस ic प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं इसको z के टर्म में, और z हमारा होता है z इक्वल टू x प्लस iy, ठीक है, तो ये हो गया fz। तो इधर देख लीजिए, फिर हम इधर से हटाएंगे, सिर्फ यहाँ लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है,
एफ जेड इक्वल, ये एक तरह से दिख रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और यहाँ पे है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई देन माइनस थ्री आई एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई सी, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आई एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई सी, इसको हम लिख सकते हैं, या हम चाहें तो पहले माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू तो माइनस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा प्लस थ्री आई एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई सी। अब ये क्या है एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब मेरा एक्स आई थिंक कहीं प्लस होना चाहिए, यहाँ पे साइन प्लस होगा जो हमने थ्री एक्स स्क्वायर तो यहाँ प्लस हो गया फिर यहाँ पे प्लस है सो डी वाई सो यहाँ पे डी वी प्लस एस क्यू प्लस एक्स क्यू और वाई वाले केस में तो प्लस था ही तो एक्स क्यू प्लस आई वाई क्यू माइनस दिस एंड दिस लेट मी चेक आई जेड क्यू प्लस सी। सो सिंपली ये अगर लाइन हम ना लिखें तो यहीं पे हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब दिस इज प्लस आई सी यहाँ पे आएगा आई इसको देख लीजिए यहाँ पे आई टर्म था जो छूट गया था आई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आई हो जाएगा ठीक है प्लस आई तो यहाँ पे i रहेगा यहाँ पे सिंपल वाई क्यू था और थ्री एक्स स्क्वायर वाई इस तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं i और ये हो गया जेड क्यू प्लस सी आई यहाँ से कॉमन हो गया क्लियर। सो एफ जेड का मान आ रहा है ये i जेड क्यू प्लस सी ये है आंसर क्लियर। तो इसको चाहें तो आप देख सकते हैं इसे हम जब सॉल्व करेंगे x प्लस आई वाई क्यू आई वाई का होल क्यूब तो हमें मिलेगा x क्यू प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू आई वाई और ब्रैकेट में होगा x प्लस आई वाई इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यू और आई क्यू जब करेंगे तो माइनस आई आई वाई क्यू ठीक है और ये हो जाएगा प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई एंड देन आई आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स होगा ठीक है। तो फाइनली हमें मिलेगा एक्स क्यू माइनस आई वाई क्यू तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो अगर हम यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा
एक्स क्यू और ये एंड देन ये ठीक है। तो अगर हम यहाँ i लिखेंगे या हम ऐसे ही लिखते हैं i एक्स क्यू, सो दिस इज एक्स क्यू माइनस आई वाई क्यू और 3i y² हम पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर हम इसमें i से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया x प्लस आई वाई का होल क्यूब। तो अगर हम दोनों तरफ i से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स क्यू और आई से इसमें इंटू करेंगे तो ये प्लस वाई क्यू हो जाएगा माइनस, फिर आई यहाँ इंटू होगा तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सो 3x² y और ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल 3i x y² क्लियर। और यही चीज़ है हमारा यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ है, उसी की जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, तो ये रहा एफ जेड हमारा, सो दिस इज एफ जेड या एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो जो इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना था इसी के लिए इतना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, अदरवाइज आप यहीं पे यू प्लस आई भी लिख लेते केवल सिंपली और यहीं पे आंसर हो जाता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि एफ जेड हमको बताना है इन टर्म्स ऑफ जेड, तो इसके लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ी जो थोड़ा सा मुश्किल रहा बीच में ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है गिवन फंक्शन u इक्वल टू हाफ log x² + y² इसे हमें शो करना है कि ये हार्मोनिक है, फिर इसका हमको हार्मोनिक कंजुगेट लाना है। तो हार्मोनिक के लिए हमें वही लाप्लास इक्वेशन को शो करना है, तो हम इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे दो बार, तो डेल u बाई डेल x हो जाएगा हाफ log का होता है x² 1/x² + y² फिर x का करेंगे तो 2x ठीक है। यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x/x² + y² क्लियर। अब यहीं से अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ डिवीज़न लगेगा, सो x² + y² - x(2x)/x² + y²² यहाँ डिवीज़न है। तो ये वाला फंक्शन फिर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस दिस फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो यहाँ से ये मिल गया हमें x² + y² - 2x², सो ये हो जाएगा y² - x² / x² + y²² ठीक है। उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई ये हो जाएगा हाफ 1/x² + y² ये हो जाएगा 2y, यहाँ भी y/x² + y² फिर इसका हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा x² + y² * y का 1 हो जाएगा माइनस y और यहाँ पे 2y, यहाँ x² + y² का होल स्क्वायर ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव है तो यहाँ मिलेगा x² - y² / x² + y² का होल स्क्वायर ठीक है।
अब हम लाप्लास इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू दोनों को ऐड करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, नीचे सारा सेम ही है। तो हमें मिल गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? सो सिंस द फंक्शन यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, वही लाइन हम लिख लेंगे यहाँ, सिंस द फंक्शन यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन सो इट इज हार्मोनिक सो इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। इसके बाद हम निकालेंगे इसका हार्मोनिक कंजुगेट। यहाँ भी हमारे पास दो मेथड है, लेकिन अभी हम फिलहाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से ही चलेंगे। तो मिलने थॉमसन मेथड आएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेट वी बी द हार्मोनिक कंजुगेट of the function u, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ भी सीआर इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिक कंजुगेट हमें तभी मिलेगा जब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे u और v दोनों मिलके। तो देन वी कैन राइट एज dv इक्वल डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आर इक्वेशन को यूज करके, तो सी आर था हमारा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स सीआर इक्वेशन। तो यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स को हम चेंज करेंगे, हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई होता है डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। ठीक है, और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें यू का फंक्शन पता है, यू के बारे में वी हमें नहीं पता है। तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई क्या था, यहाँ हमने डेल यू बाई डेल वाई निकाला था तो ये आया था, है ना। सो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डेल यू वाई डेल एक्स था हमारा ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और ये हो गया डी वी। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम चूंकि सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी वी। ठीक है, सिंपल, हमने इसको यहाँ लिख लिया और इसको इधर, फिर इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। ध्यान से देखिए, फिर से हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाना चाह रहे हैं, तो d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स यही आएगा। अब इसको चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, x dy वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही आता है। हम यहाँ दिखा देते हैं इसको, तो d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स तो ये हो जाएगा वन अपॉन ये होता है tan इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हम d करेंगे y बाई एक्स का, यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा,
इसका हो जाएगा एक तरह से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो बाकी बचा है वो यही है, देखिए। सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। फ़ायदा ये होगा कि हम इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट वी निकाल सकते हैं। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट वी इक्वल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ हार्मोनिक कंजुगेट ही बताना था, फंक्शन एनालिटिक फंक्शन वगैरह कुछ नहीं बताना है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो दिस विल गिव द हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 2011, 14 और 16 तीन बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। ये बहुत कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है, अगर एक क्रम से किया जाए तो सारा कुछ आसान है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मिलने थॉमसन मेथड को, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसको हम मिलने थॉमसन मेथड से करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।